नमस्कार। आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो मिखेल ताल और बेंट लासन के बीच हुआ था। उस जमाने में बेंट लासन भी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। हम लोग क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं। गेम में जो स्टार्ट हुआ था वो e4 c5 Nf3 Nc6 d4 c d4 Nt2 d4 Nf6 Nc3 एंड d6। क्लासिकल सिसिलियन में bg5 जो है वो मेन लाइन है। e6 खेला ब्लैक ने, क्वीन d2, बिशप टू e7। आजकल और भी ऑप्शंस अवेलेबल है इधर। बिशप a6 के अलावा bd7 भी बाद में खेल सकते हैं इसमें, लेकिन बिशप e7 खेला बेंट लासन ने। यहाँ पे लॉन्ग कैसल a6 f4, ये देखा जाए तो एक एक मेन लाइन ही है अभी अभी तक। इसमें दूसरा एक सेटअप हम खेल सकते हैं इसमें, जो कि f3 करके h4 और g4 इंग्लिश अटैक के जैसे हम अटैक कर वो खेल सकते हैं उसमें। f4 खेला व्हाइट ने, क्वीन c7 बिशप e2। डेफिनेटली बहुत बार इन पोजीशंस में जब क्लासिकल में व्हाइट बिशप इनटू f6 मारते हैं, अगर आप जी इनटू मारते हो तो बिशप h5 को एक आइडिया हो सकता है जिसमें इस डायगोनल में थोड़े इश्यूज हैं। सेकेंडली आप f3 पे भी उसको शिफ्ट कर सकते हो। सो बिशप e2 को यहाँ पे नॉर्मली बिशप इनटू f6, जी इनटू f6 और f5, ये भी उस टाइम एक गेम होता है ब्रॉन्स्टन का। लेकिन बिशप e2 खेला यहाँ पे व्हाइट ने, नाइट का d4, क्वीन इनटू d4, b5, e5 ब्रेक दे दिया यहाँ पे व्हाइट ने, जो कि आप देख सकते हैं अभी कि आफ्टर डी कट e5, एफ इंटू e5 एंड नाइट d5। यहाँ पर देखा जाए तो नाइट इंटू d5 एक ऑप्शन आ रहा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि नाइट इंटू d5 पे वैसे क्वीन पे अटैक है c7 पे, लेकिन बिशप इंटू g5 चेक आ रही है, तो इसीलिए आप नाइट इंटू d5 इमिडिएटली नहीं जा सकते हो। तो बिशप इंटू e7 मारा, और यहाँ पर मुझे लगता है कि बेंट लासन को लगाऊंगा कि आफ्टर नाइट कट c3, क्वीन कट c3 अगर आप मारते हो तो यहाँ पे क्वीन इंटू क्वीन मार के हम वो एंडिंग में जा सकते हैं, और डेफिनेटली ये एंडिंग ठीक रहेंगी ब्लैक को, क्योंकि बाद में जो स्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है आप देख सकते हैं व्हाइट के लिए। सो यहाँ पर बहुत ज़रूरी था कि आफ्टर नाइट कट c3 व्हाइट की तरफ से कोई एक अच्छा मूव ढूंढे ताल। सो यहाँ पर बिशप f3 खेला। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअली बहुत कुछ प्रॉब्लम में, जैसे e7 मर रहा है, नाइट कट d1 डेफिनेटली अवेलेबल है उधर, लेकिन देखा जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स ब्लैक के लिए भी है। जैसे बिशप f3 के बाद a8 को थ्रेट है, तो नाइट इंटू d1 मारा यहाँ पे। ये आप ताल के गेम में बहुत बार देखेंगे कि अगर कोई पीस फर्स्ट रो में आ जाता है एक्सचेंज करने के बाद, तो अभी हमको पता है कि ये पीस हमको मिलने ही वाला है, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हो कि आप और थ्रेट्स जनरेट कर सकते हो, बिकॉज उसको मारने में एक मूव या एनर्जी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सो व्हाइट ने bd6 खेला यहाँ पे। अभी क्वीन पे थ्रेट है, वन रुक मर रहा है और नाइट भी मर रहा है, सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें मिलने वाला है। क्वीन सी फोर को यहाँ पे क्वीन b6 खेला, ये बहुत अच्छा मूव था एक्चुअली। यहाँ पे अगर हम क्वीन इंटू c4 मार के रुक मार देते तो ne3 आ रहा था। ये पोजिशन शायद फिर भी अभी प्लेबल है, क्योंकि बिशप c6 चेक को bd7 आ रहा है, तो क्वीन b6 बहुत इंपॉर्टेंट मूव खेला था यहाँ पे 17th मूव पे ताल ने। और आफ्टर क्वीन b6 अभी बहुत सारे थ्रेट्स हैं आप देख सकते हैं। मेनली ताल का जो जो मेन स्टाइल था वो यही था कि हमेशा ओपोनेंट के किंग को प्रॉब्लम क्रिएट करके आप अपने गेम में और एक्टिविटी जनरेट कर लो। सो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कि रुक d1 एक आ रहा है और बिशप c6, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा है बिशप c6 चेक। तो नाइट f2 खेला यहाँ पे, बिशप c6 चेक, bd7 टेक्स। अब यहाँ पे बिशप इंटू 8 भी मार सकते हैं, पर ये सिंपली विनिंग है, क्योंकि आप देख सकते हैं बिशप इंटू d7 के बाद किंग कट d7, क्वीन कट क्वीन टू b7 चेक, किंग d8। और यहाँ पे आफ्टर क्वीन इनटू 8 देखा जाए तो आप क्वीन c8 चेक आ सकते हैं किंग d7 को। वैसे सिंपली मुझे लगता है क्वीन b7 भी आ रहा है और क्वीन एच एट को ओके नाइट इनटू h1 आ रहा है, बट क्वीन c8 खेला यहाँ पे लासन ने। और यहाँ आपको वैसे देखा जाए तो इसके बाद एक ही मूव हुई और गेम में, और रिजाइन कर दिया बेंट लासन ने, तो आपको चेक करना चाहिए कि एक्चुअली क्या हो सकता है अभी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वीन इन टू क्वीन कोई पॉइंट नहीं है। जब भी ओपोनेंट का किंग
प्रॉब्लम में होता है तो हमको मेजर पीसेज एक्सचेंज नहीं करने चाहिए। सो डेफिनेटली यहाँ पे क्वीन A7 खेला यहाँ पे वाइट ने, और अभी डबल थ्रेट है, एक तो मेट और ये यहाँ पे, और F2 मर रहा है। लेकिन यहाँ पर ही बेंट लासन ने रिजाइन कर दिया। लेकिन आप थोड़ा चेक कर सकते हैं कि अगर क्वीन D7 खेला होता क्वीन यहाँ पे तो क्या हो रहा है एक्चुअली। एक क्वीन इनटू F2 आप मारोगे, यहाँ सच में और कोई थ्रेट है? सो डेफिनेटली F2 मार के भी खेल सकते हैं, वो भी विनिंग होना ही चाहिए लॉन्ग टर्म पे, क्योंकि किंग बहुत खराब कंडीशन में है। लेकिन इस पोजीशन में आप देख सकते हैं कि क्वीन B8 चेक भी एक अवेलेबल है उसमें, और F2 मारेंगे तो ये लॉस्ट ही है। लेकिन वहाँ पे क्वीन A7 को रिजाइन कर दिया था बेंट लासन ने। और अगर हम बात करें ताल के गेम्स की, तो इसके पहले भी मैंने एक गेम मैंने अपलोड किया था, दो तीन गेम, ये एक और गेम था। पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस टाइम के जो पुराने अच्छे प्लेयर थे उनको कवर करें और वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट रखें, ताकि सभी गेम्स को, जब इम्पोर्टेंट गेम होगा तो डेफिनेटली मैं और ज़्यादा डिटेल में उसको लेकर आऊँ आपके सामने। और कोशिश करते हैं कि जितना हो सके अच्छे गेम्स जो हुए थे उस ज़माने में, पहले के इसमें ताल के और बाकी प्लेयर्स के, तो उनको हम कवर करें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।